नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राधा स्वादा में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही स्वादिष्ट एगलेस चोको चिप्स मफिन बनाएंगे, जिसे कपकेक भी कहते हैं। इसे हम विदाउट अवन बनाएंगे कढ़ाई में, और ये बहुत ही अच्छा बनता है और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो चलिए हम एगलेस चोको चिप्स मफिन बनाना शुरू करते हैं। एगलेस चोको चिप्स मफिन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में एक छन्नी लगा लिया है, और इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। मैदा की जगह आप आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, और अब हम इसे छानेंगे। हम इस तरह से छान लेंगे मैदे को। देखिए, मैंने सभी चीज़ों को छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़ा चम्मच पाउडर मिल्क। इसकी जगह आप कंडेंस मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 पिंच नमक। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसे हम साइड कर देंगे और हम एक दूसरा बाउल लेंगे। इसमें हम डालेंगे 4 बड़ा चम्मच दही। और अब हम इसमें डालेंगे 4 बड़ा चम्मच चीनी। मैंने यहाँ पे चीनी को ऐसे ही ले लिया, आप इसे पाउडर करके भी ले सकते हैं। और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक चीनी घुल ना जाए। देखिए, दही में बहुत ही अच्छे से चीनी घुल चुका है, अब इसमें कोई दाना नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे घी। मैंने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच घी लिया है। इसके जगह आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। दही में घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम मैदा इसमें डालेंगे। थोड़ा मैदा अभी हम डाल देंगे, उसके बाद हम थोड़ा बाद में डालेंगे। इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम जो सारा मैदा है उसे डाल देंगे, और इसे हम फिर से एक बार मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने 200 ml मिल्क लिया है, तो हम थोड़ा थोड़ा मिल्क इसमें डालेंगे। और मफिन के लिए गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। इसे हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है इस तरह से। देखिए, हमारा मफिन का जो बैटर है बनके तैयार है। देखिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए ये। अब हम इसमें डालेंगे चोको चिप्स। मैंने यहाँ पे लिया है 3 बड़ा चम्मच चोको चिप्स। थोड़ा सा हम अभी इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा हम ऊपर से लगाएंगे। तो हम इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं। मैंने बैटर में चोको चिप्स अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसे मोल्ड में फिल करेंगे। मैंने कपकेक के लिए यहाँ पे सिलिकॉन मोल्ड लिया है, और इस पे मैंने पेपर कप लगा दिया है। इसमें हम बैटर को थोड़ा थोड़ा फिल करेंगे। हमें पूरा बैटर नहीं भरना है, हमें इसमें लगभग हाफ भरना है, क्योंकि बेक होने के बाद हमारा जो मफिन वो फूलेगा। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा भर लेते हैं सारे मोल्ड में इस तरह से। ये सारे मोल्ड में मैंने बैटर भर दिया है, और अब हम इसे एक ट्रे में लगा देंगे इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर चोको चिप्स डालेंगे ऊपर से थोड़ा थोड़ा इस तरह से। देखिए, मैंने सारे चोको चिप्स लगा दिया है मोल्ड में, और अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे। मैंने कढ़ाई को प्रीहीट कर लिया है। कढ़ाई को मैंने 10 मिनट पहले ही प्रीहीट करने के लिए रख दिया था एक स्टैंड लगा के। इसमें आप नमक भी डाल सकते हैं। और अब हम इसकी इसमें ट्रे रख देंगे इस तरह से। बिल्कुल सेंटर में हम ट्रे को रखेंगे, और इसे हम कवर करके 30 से 35 मिनट बेक करेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, तो चलिए हम इसे बेक कर लेते हैं। 35 मिनट हो चुके हैं, और हमारा जो मफिन है, देखिए, बहुत ही अच्छा से ब्राउन हो चुका है। हम कवर हटा लेते हैं और एक टूथपिक से इसे चेक करेंगे। टूथपिक इसके बीच में डालेंगे इस तरह से, और इसे निकालेंगे। देखिए, हमारा टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, तो हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे निकाल लेंगे। देखिए, सारे मफिन को मैंने ट्रे से निकाल लिया है, और अब हम इसे मोल्ड से निकाल लेते हैं इस तरह से। सारा हम निकाल लेते हैं, और अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। मफिन हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मैं इसे एक निकाल के दिखाती हूँ पेपर से।
हमारा बहुत ही अच्छा एगलेस चोको चिप्स मफिन बनके तैयार है। मैं इसे काट के दिखाती हूँ ये अंदर से कैसा बेक हुआ है। मैं इसे यहाँ पे नाइफ से काट रही हूँ। ये मफिन बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। देखिए हमारा मफिन बहुत ही अच्छा से बेक हुआ है और ये काफ़ी सॉफ्ट है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना अमूल्य फीडबैक मुझे ज़रूर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।